कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण दुनिया भर के लोग परेशान हैं। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत में अब तक इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच ICMR ने मंकी पॉक्स को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी ने कहा कि गैर स्थानिक देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत पूरी तरह तैयार है। भारत में इस बीमारी से संक्रमण का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी ने कहा कि यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में मंकी पॉक्स संक्रमण तेजी से फैल रहा है, भारत इसके लिए तैयार है। डॉक्टर मुखर्जी ने असामान्य लक्षणों पर करीबी निगाह रखने वालों पर जोर दिया है। ऐसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए जो मंकी पॉक्स संक्रमण से प्रभावित किसी देश की यात्रा करके आए हैं। डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी ने आगे कहा है कि बच्चे संक्रमण को लेकर अधिक संवेदनशील हैं। बुजुर्गों को स्मॉल पॉक्स का टीका लगवाना चाहिए। 1980 के दशक के बाद जिन लोगों ने स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगवाया है उनके इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है। डॉक्टर मुखर्जी ने बताया कि इस बीमारी का बच्चों और बुजुर्गों के लिए इलाज समान है।